चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म क्रैक फाइटर, जो कि होली के मौके पर पूरे बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया था, और इस फिल्म ने एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सुपरस्टार पवन सिंह की क्रैक फाइटर ने भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार पांचवा सप्ताह प्रवेश कर लिया, यानी कि पांचवें सप्ताह भी सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो क्रैक फाइटर बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में करीब 25 से ज्यादा सेंटर पर अभी भी पांचवें सप्ताह बरकरार है, यानी कि पांचवें सप्ताह भी पवन सिंह का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोलने वाला है। जी हां, क्रैक फाइटर में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज दिखाया गया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। खास करके पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं। खास करके पहली बार बॉलीवुड और साउथ विलन प्रदीप रावत किसी भोजपुरी फिल्म में पहली बार नजर आते हैं, जो पवन सिंह के साथ दमदार डायलॉग और एक्शन सीन पर भोजपुरी दर्शक जमकर लुत्फ उठाते हुए सिनेमाघरों में नजर आते हैं। और करीब 3 साल के बाद पवन सिंह लुलिया गर्ल निधि झा के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आते हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक सुपरस्टार पवन सिंह का धमाकेदार फिल्म क्रैक फाइटर नहीं देखा है, तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर सुपरस्टार पवन सिंह की क्रैक फाइटर जरूर देखें। और जिन लोगों ने फिल्म को देखा हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज क्रैक फाइटर में कैसा लगा, और निधि झा और पवन सिंह पर फिल्म आया हुआ रोमांटिक गाना आपको कैसा लगा। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में संचिता बनर्जी भी पवन सिंह के साथ नजर आती है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है।